जय हिंद। तो फ्रेंड जैसा कि मैंने बताया था भाई, चैनल के साथ बने रहिएगा। आईटीआई डिप्लोमा के रिक्रूटमेंट को लेकर कोई भी अपडेट निकल कर आता है किसी भी डिपार्टमेंट की, तो सबसे पहले आपको अपडेट इसी चैनल पर देखने मिलेगा। इसरो वीएसएससी विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर, भाई यहाँ पर जो भी कैंडिडेट इसरो वीएसएससी के एडमिट कार्ड का वेट कर रहे थे, टेक्नीशियन बी वाले जो कैंडिडेट हैं आईटीआई स्टूडेंट, तो भाई फाइनली डिपार्टमेंट ने उनके एडमिट कार्ड को ऑफिशियली जो है पब्लिश कर दिया है। अब आपको किस तरह से जाना है, लिंक वीडियो के नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। डायरेक्टली जाकर ऑफिशियल वेबसाइट से आप अपने एडमिट कार्ड को फाइनली जो है यहाँ पर डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, अब मैं थोड़ा सा उसकी लिंक पर आपको लेकर चलता हूँ, देन यहाँ पर क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हो भाई, यहाँ पर आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डालना है, जो आपके एप्लीकेशन प्रिंट आउट जो है उसमें आपका यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर दिया होगा, जो आपने मेल आईडी डाली है उस मेल आईडी को आप यहाँ पर डालेंगे और फाइनली जो है अपने एडमिट कार्ड को आप यहाँ पर डाउनलोड कर पाएंगे। ठीक है, अब भाई उसमें आपका सारा देखो एग्ज़ाम आपका ओएमआर बेस्ड होना है, ठीक है, एग्ज़ाम सेंटर आपका लिखा होगा, एग्ज़ाम टाइमिंग सारा कुछ भाई उसमें यहाँ पर क्लियर मेंशन किया होगा, तो आपके जो है यहाँ पर कोई भी इशू आपको नहीं आने वाला। रजिस्ट्रेशन नंबर आपको अपने एप्लीकेशन फॉर्म से ही यहाँ पर मिल जाएगा, तो वो आपको यहाँ पर फिल करना है, जो वैलिड ईमेल आईडी है वो आपको यहाँ पर डालकर और अपने एडमिट कार्ड को फाइनली डाउनलोड कर लेना है। बाकी अगर भाई किसी स्टूडेंट को कोई इशू आता है डाउनलोड करने में, तो वो मुझसे कमेंट्स बॉक्स में नीचे पूछ सकता है। और भाई देखो भाई, चैनल जरूर सब्सक्राइब करके जाना, ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो है जो अपडेट आई है वो काफ़ी कैंडिडेट को यहाँ पर इंपॉर्टेंट थी, क्योंकि बहुत टाइम से मैसेज आ रहे थे कि भाई इसका एडमिट कार्ड कब तक आएगा। ठीक है, तो फाइनली जो है डिपार्टमेंट ने इसके एडमिट कार्ड को ऑफिशियली जो है पब्लिश कर दिया है, लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में। फाइनली आप अपने एडमिट कार्ड को डाउनलोड करके, और यहाँ पर कमेंट्स बॉक्स में एक चीज़ और बताना कि भाई अगर डिफरेंट डिफरेंट सेंटर अगर किसी को मिले हों, ठीक है, तो वो मुझे आप कमेंट्स बॉक्स में बता सकते हो। ठीक है, बाकी भाई मिलते हैं अगली अपडेट के साथ, अपना ख्याल रखें। जय हिंद।